हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो टॉर्च देखी है तो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बल्ब्स को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी 1। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपको क्या करना है, एक टॉर्च ले लेनी है और उसमें बल्ब को नोटिस करना है। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या क्या होता है। पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बल्ब जो है, बल्ब ठीक है, उसका ये जो ग्लास है, ठीक है, उसका ये आउटर केस है, इसको हम ग्लास बोलते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा है ये ग्लास का बना है। ठीक है, और ये एक मेटलिक बेस से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, मेटलिक बेस से कनेक्ट होता है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप जो टॉर्च है उसका बल्ब निकाल भी सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करोगे। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। तो क्या आपने एक पतला सा वायर देखा जो कि ग्लास बल्ब में बिल्कुल बीच में फिक्स है। देखिए यहाँ पे, ये बिल्कुल एक पतला सा वायर है, ये इसमें फिक्स है। ठीक है, नाउ स्विच द टॉर्च ऑन। अब आप क्या, आपको क्या करना है, टॉर्च को जलाना है एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। और इस बात पर ध्यान देना है कि बल्ब का कौन सा वाला पार्ट ग्लो कर रहा है। ठीक है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अच्छा, ये जो पतला सा वायर बीच में लगा हुआ है ना, यही लाइट देता है, यही बल्ब को लाइट देता है, इसी को हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है, बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर है जिसे हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब कहते हैं। ठीक है, द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स। अब ये फिलामेंट दो मोटे मोटे वायर से कनेक्ट होता है। देखिए, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, इसके बीच में एक ये पतला सा वायर है। दिखाई दे रहा है आपको इस फिगर में, यहाँ पे एक मोटा वायर ये रहा, एक ये रहा, बीच में ये पतला सा वायर है जो कि इस बीच वाले वायर को, यानी फिलामेंट वाले वायर को, जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इन दोनों थिक वायर्स में से, इन्हीं दोनों थिक वायर्स में से कोई भी एक वायर मेटल केस से कनेक्ट होता है। ठीक है, मेटल केस जो कि इसके बेस में होता है उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, द आउटर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, और जो एक और मोटा वाला जो वायर है ना, दो थिक वायर थे उसमें से एक जो वायर है उसको हमें मेटल टिप, यानी नीचे की तरफ जो मेटल टिप है ना, ठीक है, मेटल की जो टिप है नीचे की तरफ, उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। अब इस केस में हमने क्या किया है, हमने ये जो दो वायर्स थे, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, और एक वायर ये बीच वाला। ठीक है, तो ये वाला वायर तो मोटा होगा, ये भी मोटा होगा, तो इसको हमने एक को किससे कनेक्ट किया है, जो बीच में नीचे की तरफ जो बेस है ना बल्ब का, उससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और एक ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसको हमने मेटल टिप से कनेक्ट किया, नीचे की तरफ जो ऊपरा वाला हिस्सा है ना बल्ब का, उससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में क्या बन गए, टर्मिनल्स बन गए। ठीक है, किसके टर्मिनल्स बन गए, इलेक्ट्रिक बल्ब के टर्मिनल्स बन गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे, दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और इनको इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है जिससे ये आपस में एक दूसरे को टच ना करें, और आपस में एक दूसरे को टच ना करें इसके पीछे का कॉज क्या होता है, ये हमने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब के अंदर, बल्ब जिस बैटरी से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो यूज्ड अप हो जाएगी, बताया था हमने।
आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। और जो हमारे घरों में बल्ब का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसी तरह से एक फिलामेंट लगा होता है, लेकिन उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टीन का होता है, ठीक है, और उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग होती है और टॉर्च की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें ये जो बल्ब है ये बहुत हल्का वाला है, ठीक। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। और जो इलेक्ट्रिक सेल है और जो बल्ब है, ठीक, दोनों में ही दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इसमें भी दो टर्मिनल्स हैं और जो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हमने पढ़ा है उसमें भी दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। वाई डू दे हैव टू दीज टू टर्मिनल्स। अब इनके अंदर दो टर्मिनल्स ही क्यों होते हैं? ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, ठीक है। जब आप अभी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सर्किट में आपको एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा और जो बचा हुआ एंड है उसको किसी और से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्किट जब आप बनाना सीखेंगे तब आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि बल्ब में और इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं और हम उनका इस्तेमाल कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल से एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे सीखना है हमें। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाएंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करना है? इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करना है और इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना है। How do we do that? अब हम ये कैसे करेंगे, देखिए, विद द एक्टिविटी टू, टेक फोर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। आपको क्या करना है, वायर लेने हैं, ठीक है, और उनकी प्लास्टिक की कवरिंग अलग अलग होनी चाहिए। अब देखिए, मेनली आपको चार तरह के वायर लेने हैं, ठीक है, चार अलग अलग कलर के वायर लेने हैं और उनकी जो साइड से जो प्लास्टिक कवरिंग है ना उसको थोड़ा सा आपको हटाना है, ठीक है। और इसको हटाने का पर्पस क्या है कि जो मेटलिक सरफेस है इस वायर का वो आ जाए, ठीक है, जो लास्ट में ये जो एंड है वायर का, ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ी सी प्लास्टिक की कवरिंग हटा देनी है। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टू टू द सेल। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसे सेल से कनेक्ट करना है। कैसे करना है समझ लो पहले इसको। ये वायर है, ठीक है, ये वायर का पॉजिटिव टर्मिनल है, एक वायर यहाँ लगा, दूसरा वायर इधर लगा। अब दो वायर बच गए ना हमारे पास, हमने टोटल चार वायर लिए हैं, तो दो जो वायर बचेंगे उनको हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। दो वायर हमने, एक वायर और एक वायर ये रहा, तो दोनों वायर को हमने किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया है। अब देखिए, ये बाकी के ये दो वायर ये अलग अलग कलर के हैं, इसको हमने इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट किया है, तो टोटल हमने चार इक्वल लेंथ के इलेक्ट्रिक वायर लिए हैं। समझ में आ गया, चार अलग अलग कलर के लिए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस केस में हमने रेड और साथ में ब्लू, और यहाँ पे हमने कौन से कलर का लिया है, ग्रीन, और ये ब्लैक कलर का, ठीक है। आगे देखिए, यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूजिंग बाई इलेक्ट्रीशियंस। अच्छा, जो इलेक्ट्रीशियंस टेप का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लैक कलर का टेप होता है, ठीक है, उस टेप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं इन वायर को इसे चिपकाने के लिए, ठीक है। यूज द रबर बैंड्स और अ टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। अब रबर बैंड या टेप का इस्तेमाल कर सकते हो वायर को फिक्स करने के लिए, ठीक है, सेल में वायर को फिक्स करने के लिए। या तो आप क्या करें, रबर बैंड बांध दें, यहाँ पे इससे कनेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे एक रबर बैंड बांध दें, यहाँ पे बांध दें, अदरवाइज यहाँ पे एक टेप लगा दें, यहाँ पे एक टेप लगा दें, जिससे कि वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो अब हमने यहाँ तक क्या कर लिया है, हमने दो वायर इससे कनेक्ट कर दिए, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, यहाँ टेप लगाया, यहाँ टेप लगाया, इस तार को छील लिया है, इस तार को छील लिया है, यानी इसकी कवरिंग हटा दी है, ठीक है, छीलने का मतलब इसकी कवरिंग हटा दी है, ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग जो लगी होती है वायर की वो हटा दी है, जिससे मेटल सरफेस निकल कर आए। अब देखिए यहाँ पे भी सेम काम किया है, एक यहाँ से कनेक्ट किया है,
देखो अब इस फिगर में आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि जो मेटल, जिस मेटल टिप की हम बात कर रहे थे वो ये रही, ठीक है, वो ये रही, और इसके साथ साथ मेटेलिक बेस की जो हम बात कर रहे थे वो इधर है, मेटेलिक बेस और ये मेटेलिक टिप, समझ में आ रही है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स अभी अभी बताया है। अब देखिए यहाँ से ये वायर निकला और यहाँ से ये वायर, आगे देखिए, नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब। अब क्या करना है हमें, जो बल्ब से हमने वायर को कनेक्ट, हमने बल्ब से जो वायर को कनेक्ट किया है, ठीक है, उनको हमें अब कनेक्ट करना है किसके साथ, बैटरी के साथ, जो इसके साथ फिक्स्ड हो चुके हैं, अब उन्हें कनेक्ट करना है हमें, ठीक है, अलग अलग तरह से अब हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसका ये वाला वायर लिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसका ये वाला लिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ये अलग अलग केसेस हैं, पहले इनको समझो उसके बाद आपको इनकी फंक्शनिंग समझ में आएगी कि किस केस में बल्ब ग्लो करेगा और किस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये बैटरी है, इन्होंने एक को तो इसका एक एंड लिया वायर का और इसका एक एंड लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, बट इस केस में इन्होंने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, इस केस में इस एंड को तो कनेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो इस केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट केस में देखिए इन्होंने इसी तरह से ये वाला एंड कनेक्ट नहीं किया लेकिन ये वाला कर दिया, ठीक है। आगे देखिए इधर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक। अब क्या किया इन्होंने इस केस में कि एक ही टर्मिनल से, यहाँ से एक ही जो वायर निकल रहा है इसी से बल्ब के दोनों वायर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इसमें सिर्फ ये वाले एंड से दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। सब में डिफरेंस समझ पा रहे हो। अब देखो बल्ब का ये वाला जो वायर है ना, ग्रीन वाला, इसको इन्होंने इस टर्मिनल से कनेक्ट किया और ये वाला जो टर्मिनल है इससे कनेक्ट कर दिया, इस केस में भी बल्ब ग्लो कर गया। तो इन केसेस में बल्ब ग्लो नहीं किया, इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो कर गया, क्यों किया ये हमें समझना है, इसके पीछे एक कॉज है। देखिए यहाँ पे आगे, फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। आपको इस एक्सपेरिमेंट को करके ये देखना है कि किस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है और किस केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो ए और एफ में येस आएगा, बल्ब विल ग्लो, और बी सी डी ई इन केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिए, नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच बल्ब ग्लो, कंपेयर दीज विद दोज इन विच बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। आपको इनको कंपेयर करना है कि किस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है और किस केस में नहीं कर रहा है। आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया, कुछ डिफरेंस समझ में आया, जब आप इसके ये वाले छोर से इसको कनेक्ट करते हो और इसके ये वाले छोर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, एक क्लोज्ड सर्किट बन करके तैयार होता है। इस केस में भी एक क्लोज्ड सर्किट बन रहा है, क्या इस केस में सर्किट क्लोज है, नहीं है, इस केस में है, नहीं है, इस केस में सिर्फ एक ही एंड से कनेक्ट कर दिया है, इस केस में सिर्फ एक ही एंड से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, देखना है हमें, कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर अरेंजमेंट इन फिगर 12.5, ठीक है, मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। अब देखते हुए चलना है आपको, नाउ फ्रॉम अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब, ठीक, मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल, रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट, डिट द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। समझ में आ रहा है इसका मतलब, देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, पेंसिल लेनी है, उस पेंसिल को यहाँ से एक एंड पकड़ लो और यहाँ से घुमाते हुए चलना है। इस केस में आप पेंसिल को पूरा घुमा लोगे, इस केस में पेंसिल को नहीं घुमा पाओगे, बीच में रुक जाओगे, ठीक है, बीच में रुक जाओगे, आपका हाथ बीच में रुक जाएगा पेंसिल वाला, क्यों, क्योंकि बीच में सर्किट टूटा हुआ है। जब आप यहाँ से घुमाओगे तो आप इधर की तरफ रुक जाओगे, बीच में सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है, और जब यहाँ से घुमाना शुरू करोगे तो यहाँ से भी सर्किट टूटा हुआ है बीच में,
समझ में आ रहा है, यहाँ से ऐसे नहीं घुमाना है, पूरा सर्किट बैटरी से चलना है, इलेक्ट्रिक सेल से चलना है, ठीक है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चलना है, किसके टर्मिनल से, जो सेल है इलेक्ट्रिक सेल वाला उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ आप जाएंगे, फिर यहाँ से रुक जाएंगे फिर भी, क्योंकि इसको इसी से कनेक्ट कर दिया है। हमें कहाँ जाना है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल को एक टर्मिनल पे रखेंगे, इसको दूसरे टर्मिनल तक लेकर आएंगे, ठीक है। इस केस में जब आप इधर रखते हैं तो इधर से फिर आप दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। तो जिस केस में आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे अपनी पेंसिल को रख के, उस केस में बल्ब ग्लो करेगा और दूसरे केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। बल्ब ग्लो करने के पीछे क्या कॉज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, तब और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।